assalamu alaikum dear students hope you all are doing well dear students today we will do exercise 1 e as you can see there uh, this exercise is based on roman numerals so as you know beta uh, that there are seven basic symbols to write any roman numeral isn't it uh, and the symbols are like if i write here roman numerals Um, the basic seven symbols are they are I, V, X, L, C, D, and M. M I will write here. Okay, so these are the seven basic uh, symbols uh, that uh, we use to write any Roman numeral. ओके okay, बेटा सो so, ये भी हमें पता है जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होते हैं उसकी हमारे पास कितनी बेसिक सिंबल्स हैं उसकी टेन बेसिक सिंबल्स हैं एंड यू ऑल नो दैट दे आर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ना बेटा तो यहाँ पे अगर रोमन न्यूमरल्स में देखेंगे रोमन न्यूमरल्स में ना तो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना ही इसमें जीरो की कोई सिंबल है ठीक लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं Um, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आई है ना आई का वैल्यू जो होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू अरबिक न्यूमरल सो ये वन के बराबर होता है दिस वी मीनज फाइव दिस एक्स मीनस टेन दिस एल मीनज फिफ्टी दिस सी मीनस हंड्रेड एंड डी मीनस फाइव हंड्रेड एंड एम मीन्स थाउजेंड ओके सो अगर हिंदू अरबिक के हिसाब से अगर हम इनका वैल्यू देंगे ठीक है ना आई का जो मतलब है वो वन है वी मीनस फाइव एक्स मीनस टेन एल मीनस फिफ्टी सी मीनस हंड्रेड डी मीनस फाइव हंड्रेड एंड एम मीनस थाउजेंड ओके सो अब उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ रोमन uh, न्यूमरल्स की जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे ओके okay? सो so, कुछ रूल्स जो हैं सबसे पहला जो रूल है अगर हम देखेंगे अगर हमें रोमन न्यूमरल में अगर हम देखेंगे जो पहला रूल इसमें आ जाता है अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है उस रिपीट की मीनिंग जो है इट मीनस की एडिशन ठीक सपोज़ आपने देखा ही होगा बेटा लाइक हम ऐसे लिखते हैं अगर आई में देखूं, आई अगर हम देखेंगे आई हम ऐसे वन टू देन थ्री ये आज जो है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो मीनज इनको हमें ऐड करना है तब जब रिपीट होते हैं ना इट मीनस कि हमें ऐड करना है सो वन प्लस वन इज़ टू टू प्लस वन इज़ थ्री ठीक लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो क्या पॉइंट्स हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं जो इसमें इन मतलब रोमन न्यूमरल्स में आ, रिपीट क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता ये भी मैं आपको यहाँ पर लिखूँगी ऑनली एक्स सॉरी आई एक्स सी एंड एम दे कैन बी रिपीटेड ओके इनको हम रिपीट कर सकते हैं बट ऑनली थ्री टाइम्स थ्री से ज्यादा नहीं दूसरा जो रूल है फिर क्या क्या बचा चार जो इसमें आते हैं वो रिपीट होते हैं बाकी क्या बचा वी एल एंड डी ये रिपीट नहीं होते हैं ठीक वी एल एंड डी ये जो है आ, ये रिपीट नहीं हो सकते तो वही मैं यहाँ पर लिखूँगी कार्ड भी रिपीट ओके और एक और चीज़ हम इन न्यूमरल्स को रिपीट कर सकते हैं बट ओनली थ्री टाइम्स तीन बार ठीक है क्योंकि अगर हम रिपीट करने बैठेंगे सो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि फिर हमें बाकी सिंबल्स की ज़रूरत है ठीक है सो ये हम रिपीट नहीं कर सकते लाइक एग्जाम्पल मैंने बेटा आपको ये दिखाई ठीक है या कभी कभार आपने ऐसे भी देखा होगा एक्स एक्स दिस एक्स एक्स जो है दो बार है एक्स जो इसका वैल्यू जो है दैट टैन सो टेन प्लस टेन इज़ ट्वेंटी तो ये किसके बराबर आएगा ट्वेंटी के बराबर लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा एक्स 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 तीन बार आपने देखा होगा लेकिन चार बार आपने कभी एक्स एक्स को नहीं देखा होगा ये गलत है ठीक है सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल हमें सिर्फ तीन बार इनको रिपीट करना है रूल नंबर सेकेंड जो आपने याद रखना है वो क्या है सेकेंड रूल वो क्या है बेटा जब भी कोई स्मॉलर न्यूमरल किसी लार्जर न्यूमरल के राइट um, साइड में होगा ठीक है तो तब वो हमेशा ऐड होता है सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूंगी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा सपोज uh, आपने देखा ही होगा वी आई मैं यहाँ पे लूँगी ठीक वी जो है यहाँ पे लार्जर न्यूमरल है आई जो है ये स्मॉलर न्यूमरल है तो जब हमेशा ये याद रखना जब राइट right साइड में होगा कोई स्मॉलर न्यूमरल ठीक किसी लार्जर न्यूमरल के राइट right में जब कोई स्मॉलर न्यूमरल होता है तो वो हमेशा एड होता है क्या होता है एड सो दिस वी आई मीनस सिक्स ठीक है या इसी तरीके से आपने एक्स आई आई भी देखा होगा ठीक एक्स इज़ लार्जर एंड आई आई इज़ स्मॉलर ठीक तो ये हमेशा इसको एड होगा सो एक्स मीनस टेन एलेवन टूवेल्थ हो ये टूल्व के बराबर हैं ठीक है बेटा इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एल एक्स आई आई या एल एक्स आई वी ठीक सो यहाँ पे सॉरी वी नहीं लेते हैं एल एक्स आई आई ही ले लेते हैं ठीक सो दिस एल मीनज फिफ्टी टेन एक्स मीनस टेन एंड आई आई मीनज वन वन सो फिफ्टी प्लस टेन प्लस वन प्लस वन ओके तो ये क्या आ ये किसके बराबर आएगा फिफ्टी प्लस टेन इज सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी तो ये इसका जो वैल्यू है वो सिक्सटी ये सिक्सटी टू के बाद सिक्सटी टू अगर हमें लिखना होगा रोमन न्यूमरल्स में तो हम सिक्सटी टू ऐसे लिख सकते हैं रूल नंबर थ्री वो क्या है रूल थर्ड जो आपने याद रखना है वो ये है आप अगर किसी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर न्यूमरल होगा ठीक तो तब वो हमेशा सप्ट्रैक्ट होता है आपने देखा ही होगा लाइक like हम आई भी लिखते हैं जो मतलब जो कि किसके बराबर होता है फोर के बराबर होता है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो वी है ये बड़ा न्यूमरल है आई जो है ये स्मॉलर न्यूमरल है और ये इसके लेफ्ट साइड में है दैट मीन्स हमें वी वी किसके बराबर है फाइव के बराबर तो हमें इसको सप्ट्रैक्ट

के बराबर लिखते हैं इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ठीक रूल नंबर फोर जो आपने याद रखना है कभी कभार जब भी मतलब कोई न्यूमरल uh, जो होगा वो बीच में होगा कोई स्मॉल न्यूमरल बीच में होगा तो हमेशा याद रखना हमें वहाँ सबसे पहले हमें सब्ट करना पड़ता है उसके बाद हमें ऐड करना पड़ता है ठीक है सपोज अगर आप देखेंगे सी um, एक्स सी एक्स आई वी अगर हम लेंगे ठीक है यहाँ पे जो हैं सी एक्स आई वी अगर हम यहाँ पे देखेंगे आई जो हैं ठीक है, है? ये यह यहाँ पे स्मॉलर न्यूमरल है, ठीक और ये इनके बीच में है लार्जर न्यूमरल्स के बीच में है तो तब हमें क्या करना है हमें सबसे पहले सप्ट्रैक्ट करना है सी मीनज हंड्रेड एक्स मीनस प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स मीनस टेन और यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे ठीक है लेकिन इसको हमें सबसे पहले सप्रैक्ट करना है सो फाइव माइनस वन आ जाएगा ठीक है तो वही हम लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस टेन प्लस फाइव माइनस वन इज़ फोर तो वो किसके बराबर आएगा हंड्रेड वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड फोर्टीन के बराबर ये है अगर हमें वन हंड्रेड फोटी रोमन न्यूमरल्स में लिखना होगा तो वो किसके वो कैसे हमें लिखेंगे लिखेंगे सी एक्स आई वी आप हमेशा इसमें ये याद रखेंगे और भी जो आपने याद रखना है वो ये है बेटा वी एल और डी इनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है अन ऑवर सप्रैक्टेड ये याद रखना है आपने ठीक और ये भी याद रखना है आई हमेशा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली सिर्फ आई हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वी और एक्स को ठीक है इसी तरीके से x जो हैं ये हम सप्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी ये हम सप्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ़ l एंड c को ठीक है समझ आ रहा है इसी तरीके से जो c हैं c हम हमेशा सप्ट्रैक्ट कर सकते हैं d एंड m को तो ये आपने याद रखने हैं ये कुछ रूल्स ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया गया आ ही गया होगा सो so अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं सो एक्सरसाइज वन ई में जो पहला क्वेश्चन है इट इज़ फिल इन द बॉक्सेस विथ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हमें यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनको हमें फ़िल करना है विथ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स ठीक है सो हिंदू अरबिक में जो बेसिक टेन सिम्पल हैं वो मैंने आपको बताया लाइक ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो हिंदू अरबिक में हमें इसको है ठीक है क्योंकि वहां से रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है सो so, बेटा अगर बेहतर भी होगा अगर आप मतलब जो इसकी जो ये है नंबर्स जो है one to hundred, अगर आप लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स मतलब खुद ही तो उससे भी आपको अच्छे से याद रहेगा ठीक है सो क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं एक्स हमें पता है एक्स का वैल्यू क्या है टेन तो पहले बॉक्स में टेन आ जाएगा राइट right साइड में दोनों हैं दैट मीन्स एड होंगे एल एक्स एक्स एल मीनस फिफ्टी प्लस एक्स मीनस टेन प्लस टेन सो फिफ्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवेंटी देन इट्स एक्स 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 तो ऐड करना है ठीक है ना ये मैंने पहले ही आपको बताया जब सिंबल्स uh, रिपीट होती हैं तो उसका मतलब है इनको ऐड करना है ठीक है सो so यहाँ पे क्या आएगा एक्स मीनस टेन सो टेन प्लस टेनिस ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेनिस थर्डी ठीक इसी तरीके से बाकी पार्टस भी बिल्कुल आपने करना लाइक अगर सी पार्ट यहाँ पर देखेंगे एक्स सी ठीक जो लार्जर न्यूमरल है उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल है अभी यहाँ पर रोमन न्यूमरल तो देट मीन्स हमें क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है ठीक सो so सी सी अगर हम लिखेंगे हिंदू अरबिक में तो हंड्रेड के बराबर है माइनस टेन सो so, इसका जो वैल्यू आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इज राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अब हमें इनका हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है लाइक like अगर पहला पार्ट चेक करेंगे इट्स एक्स एक्स आई वी ओके तो ये हम लिख सकते हैं x x आई हम लिख सकते हैं वी नो दैट x मीनस टेन इट इज टेन प्लस टेन प्लस आई वी ये हम लिख सकते हैं बेटा फाइव माइनस वन क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब भी मतलब स्मॉलर न्यूमरल बीच में होगा लार्जर न्यूमरल्स के बीच में तो हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ही करना है ठीक तो ये हम लिख सकते हैं टेन प्लस टेन फाइव माइनस वन इज़ फोर सो इट इज़ टेन प्लस टेन इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर इज़ ट्वेंटी फोर ठीक है बेटा इसी तरीके से अगर हम इसका एफ पार्ट चेक करेंगे एफ पार्ट इज़ एल एक्स 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 आई आई तो ये हम लिख सकते हैं एल मीनज फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस वन प्लस वन यही आएगा ना बेटा सो ये हम लिख सकते हैं फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी सेवेंटी एटी एटी वन एटी टू तो इसका जो हिंदू अरबिक न्यूमरल आ जाएगा वो आएगा एटी टू जो बाकी के बाकी पार्ट्स स ना बेटा इसमें वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं ठीक है नव लार्स चाहे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट नंबर फ्राम फोटी वन टू हंड्रेड इन योर एक्सरसाइज बुक यूजिंग रोमन न्यूमरल्स तो रोमन न्यूमरल्स आपने लिखने हैं फोटी वन से लेके हंड्रेड um, तक ठीक है सो so, ये आपने एक्सरसाइज बुक पे लिखना है तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कि ये मैं आपको दिखाऊँ ठीक uh, मेरे ख्याल से ये आपको आ जाएगा बेटा खुद ही ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज़ कंपेयर यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे कंपैरिजन का वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है कि हम कैसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं ठीक सो यहाँ पे देख लेते हैं पहला पार्ट इट्स एक्स सी एंड एक्सेल एंड वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू कंपेयर देम ओके सो वी नो दैट एक्स सी सी मीनस हंड्रेड हंड्रेड माइनस ट इट नाइन्टी एंड एक्सेल L मीन इज फिफ्टी फिफ्टी माइनस टेन इज़ फोटी तो अगर हम नाइन्टी और फोर्टी को कंपेयर करेंगे वी नो दैट नाइन्टी इज़ ग्रेटर देन फोर्टी तो यहाँ पे जो सिंबल आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन की सिंबल ठीक इसी तरीके से अगर हम इसका डी पार्ट चेक करेंगे डी पार्ट इज एल वी आई आई ठीक और इसको सी के साथ कंपेयर करना है एल मीनस फिफ्टी फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन ठीक है ना बेटा मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड किया फिफ्टी प्लस फाइव प्लस वन प्लस वन ठीक है सो एंड वी नो दैट दिस सी मीनस हंड्रेड अब इन दोनों को कंपेयर करते देख लेते हैं बड़ा कौन है हंड्रेड बड़ा है कि फिफ्टी सेवन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना होगा सो so ऑब्वियसली जो हंड्रेड है वो फिफ्टी सेवन से बड़ा है बिकॉज दिस हंड्रेड इज़ थ्री डिजिट नंबर एंड फिफ्टी सेवन इज़ टू डिजिट नंबर एंड वी नो दैट थ्री डिजिट नंबर इज़ ग्रेटर दैन टू डिजिट नंबर ठीक है ना सो so यहाँ पे कौन सी सिम्बल आएगी लेस देन की सिंबल आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं गिव द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स अब हमें रोमन न्यूमरल्स में आंसर देना है ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं ए पार्ट इट्स एक्स एक्स वी प्लस एक्स एल ओके और हमें किस में आंसर देना है हमें रोमन न्यूमरल में ही आंसर देना है तो ये हम कैसे लिख सकते हैं एक्स एक्स वी प्लस एक्स एल हम लिख सकते हैं सबसे पहले हम इसको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में फिर से हम इसको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे एक्स एक्स वी मेरे ख्याल से आपने इतने ज़्यादा पार्ट्स किए हैं तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना एक्स मीनस टेन एक्स मीनस टेन वी मीनस फाइव सो दिस इजी फाइव ठीक है ना प्लस इट इज़ एल एक्स एल एंड एक्स एल किसके बराबर है फोर्टी के बराबर है ठीक सो ट्वेंटी फ़ाइव प्लस फोटी ज़ीरो प्लस फाइव इज़ फ़ फाइव फोर प्लस टू इज़ सिक्स तो सिक्सटी फ़ाइव अगर हमें लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे सिक्सटी फाइव हम लिख सकते हैं फिफ्टी प्लस टेन प्लस फाइव सॉरी तो फिफ्टी की जो सिंबल है दैट इज़ एल टेन की जो सिंबल है दैट इज़ एक्स और फाइव की जो सिंबल है दैट इज़ वी तो इसका जो रोमन न्यूमरल आएगा वो आएगा एल एक्स वी ठीक है Uh, इसी तरीके से अगर हम बेटा इसका डी पार्ट चेक करेंगे डी पार्ट इज़ एल माइनस एक्स 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 आई एक्स ठीक सो बेटा ये हमें पता ही है एल माइनस फिफ्टी माइनस एक्स 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 सो थ्री टाइम्स तो थर्टी और एक्स आई माइनस नाइन सो थर्टी नाइन है ना बेटा uh, ये हम अब हम सबट्रैक्ट करेंगे टेन माइनस नाइन इज़ वन फोर माइनस थ्री इज़ यहाँ पे मैंने बोरो लिया ठीक है तो आपको तो सब करना आता ही होगा तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया ठीक है बेटा सो फोर माइनस थ्री इज़ वन तो यहाँ पे क्या आया 11 और 11 हम कैसे लिखते हैं एक्स क्योंकि इलेवन में अगर हम देखेंगे टेन प्लस वन इज़ इलेवन ठीक सो टेन की सिंबल हमारे पास है दैट इज़ एक्स और वन की भी सिम्बल हमारे पास है दैट इज़ आई सो एक्स आई इसका न्यूमरल आ जाएगा ठीक है तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई प्रोजेक्ट मैंने बेटा आपको जूम ऐप में बताया है कि ये आपने कैसे करना है तो ये इंशाल्लाह हम उसी पे चेक करेंगे